आज इस वीडियो में हम गैफी और बबलू को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। बबलू, मेरे पास मदन और तोम्बा की कहानी की एक किताब है, चलो पढ़ते हैं। ये देखो गैफी, इस कहानी के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर भी हमें लिखना होगा। चलो कहानी को पढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाते हैं। आज मदन और तोम्बा को एक नई चीज मिली है। तोम्बा ने कहा, मुझे पता है ये क्या है, ये एक नाव है। तभी मदन ने कहा, पर ये तो पानी में तैर ही नहीं रही, मुझे तो लगता है ये एक रॉकेट है। उन्होंने गिनती शुरू की, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पर वो रॉकेट उड़ा ही नहीं। बबलो, तुम्हें क्या लगता है ये किस चीज का चित्र है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गैफी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? चलिए कहानी में पढ़कर पता लगाते हैं। तोम्बा ने कहा, मुझे पता है ये क्या है, ये एक टेंट है। तोम्बा उसके नीचे लेट गई, पर वो टेंट तो बहुत छोटा था। जल्दी ही बारिश शुरू हो गई और तब मदन जोर से चिल्लाया, मुझे पता है ये क्या है। उसने उस चीज को लेटाया और उसमें पानी भरने लगा। फिर मदन उसके अंदर बैठ गया और बोला, ये एक नहाने का टब है। तोम्बा भी साथ में बैठ गई और बोली, हाँ लगता तो यही है। दोस्तों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको क्या लगता है ये चीज क्या थी? क्या आप बता सकते हैं कि उसे और कौन कौन से काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर अपने उत्तर उनके साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी की चर्चा की।